गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, और कैसे हो आज बेटा? आज इस वीडियो में बात करते हैं आज हम ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है, कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बनाने के लिए रासायनिक विधि में देखो क्या किया जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो क्लोरीन गैस बनती है, उस क्लोरीन गैस की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। यानी जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यदि उसकी क्रिया क्लोरीन गैस से करा दी जाए तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको रिएक्शन बताता हूं अभिक्रिया कि किस प्रकार इसका निर्माण होता है। तो ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। देखिए बेटा, विरंजक चूर्ण, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इसको ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक सूत्र यानी जो केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 क्या है? ये केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। इसका साधारण नाम तो विरंजक चूर्ण है, रासायनिक नाम यानी कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैसे बना देखो, कैल्शियम का मतलब CA, ऑक्सी ओ क्लोराइड का Cl2। अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो देखिए रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जो गैस बनाई जाती है क्लोरीन, उसकी क्रिया कराई जाती है शुष्क बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो अब हम इसमें लिखेंगे बनाने की विधि या रासायनिक विधि, प्रिपरेशन ऑफ मेथड या फॉर्मेशन ऑफ मेथड, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन के लिए हम इसके रसायन को काम लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस Cl2। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम मिला देते हैं क्या, क्लोरीन गैस, तो बन जाता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्लस H2O अलग हो जाता है। तो यहां ध्यान देने की बात है कि ये क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। यानी जो हम पुताई करते हैं ना, कली होती है, उस कली में यदि हम पानी डाल दें तो ये बन जाता है। इसको चूने का पानी भी कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है
इसकी क्रिया क्लोरीन से करा दी जाती है तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और इसी ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखें इसके गुण क्या है। नंबर एक, पहला गुण, ये पीले रंग का, यह है पीला मीन्स येलो। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे कि इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड प्लस जल। और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। अब गुण की बात करें तो देखो यह है पीले रंग का, तो गुण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण। तो इंग्लिश वाले ट्रांसलेट कर लेंगे बस कॉमन जो प्रॉपर्टीज है उनको, जैसे येलो तो पीला है तो हम कहेंगे यह है पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठीक है, येलो कलर सॉलिड मटेरियल। नंबर सेकंड, ठंडे जल में यह विलय होता है, यानी इक्वस सॉल्यूशन इन कोल्ड वाटर, इक्वस सॉल्यूशन इन कोल्ड वाटर या सॉल्युएबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे जल में विलय, विलय का मतलब होता है घुलना। इसी तरह यदि इसे वायु में खुला रख दें, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है, यदि इसको खुले में रख दिया इसको तो क्लोरीन गैस धीरे धीरे उड़ जाती है। इसी तरह यदि तनु अम्लों की क्रिया से करा दी जाती है, तनु अम्ल जैसे चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, इसकी क्रिया करा दी जाती है तब भी ये क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण यदि मुक्त क्लोरीन गैस इसको जल में संयोग कर नवजात परमाणु ऑक्सीजन भी निकालती है, यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सी कारक की तरह गुण भी प्रदर्शित करती है। यानी इस यदि क्लोरीन गैस को हम किसमें घोल दें, जल में, तो यहां से परमाणु भी ऑक्सीजन निकलती है, नवजात ऑक्सीजन निकलती है जो ऑक्सीजन का विरंजन कार्य करती है। जैसे ये Cl2 क्लोरीन है और इसको किसमें मिला दिया, जल में, तो जल में इसको मिला दिया जाता है तो ये HCl बना लेगा प्लस नवजात ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ये नवजात जो ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सीजन विरंजन की क्रिया करती है। ठीक है, अब ये तो बात किसकी, गुण की। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग क्या है, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो देखिए नंबर एक यदि बात करें तो वस्त्र उद्योग, जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री, इसके अलावा कागज इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, क्लॉथ इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। नंबर थर्ड, जल का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसके अलावा इसका काम डेस्ट्रो ऑफ इंसेक्ट यानी कीटाणुनाशी या रोगाणुनाशी में भी, पेस्टिसाइड में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, यूजेज है। ठीक है, तो इस तरह हमने जो बात की ये पूरी टोटल जो बातें हैं ये विरंजक चूर्ण की है, ब्लीचिंग पाउडर की है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, केमिकल फॉर्मूला है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका प्रिपरेशन देख लीजिएगा आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो क्रिया है वो क्लोरीन से कराई तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ये इसके गुण है, आप आराम से लिख लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। पीले रंग का ठोस पदार्थ है, ठंडे जल में घुलनशील, वायु में रखने पर क्लोरीन गैस देता है और तनु अम्लों से क्रिया कराने पर भी, तनु अम्लों के साथ भी ये क्लोरीन गैस देता है।
और यदि इस क्लोरीन गैस में जल मिला दिया जाए तो यहां पर ये नवजात ऑक्सीजन बनेगी। नवजात ऑक्सीजन जो ऑक्सीकारक का या विरंजन का कार्य करती है, और ये इसके यूजेज हैं वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, जल का शुद्धिकरण और रोगाणुनाशी के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसी में आपसे बात करता हूं कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मींस खाने का सोडा या मीठा सोडा। अब मीठा सोडा या बेकिंग सोडा है क्या? रासायनिक सूत्र होता है इसका NaHCO3, NaHCO3, और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह से हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने का भी आसान तरीका है। सबसे पहले लेंगे हम नमक, मीन सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का जो जली है विलयन है, यानी नमक लेकर उसमें पानी मिला देंगे तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, और उस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस फ्लो कर दें तो इससे बेकिंग सोडा बन जाता है। इसके साथ ही NH4Cl9+ भी एक अन्य प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो मैं ये कहूंगा कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वाटर। तो ठीक है, ये तो गया सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वाटर सोडियम क्लोराइड का एक को सॉल्यूशन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस फ्लो करानी है, तो इससे बनेगा क्या? बेकिंग सोडा। तो ठीक है, इसकी बात हम बात करते हैं, आप इसकी रिएक्शन देखें। मैं बात कर रहा हूं आपसे बेकिंग सोडा। देखिए बेटा, बेकिंग सोडा इसे मीठे सोडे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। तो मैं कहूंगा रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या हुआ इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको? केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है वो बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा है। फॉर्मूला NaHCO3 है, NaHCO3। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड, बनाने की विधि, बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड क्या है? मेथड इसको बनाने के लिए सिंपल है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी नमक की। NaCl प्लस, थोड़ा सा जल ले लो इसमें, प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस प्रवाहित करानी होती है। ये नमक है, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, इन सबको यदि मिला दिया जाए, अभिक्रिया कराए आपस में, तो इससे बनेगा NaHCO3। ये बन गया बेकिंग सोडा। तो ये Na, H यहां से लेंगे और O इसमें मिला दो, CO3 हो जाएगा, तो NaHCO3 बचा क्या? यहां पर एक H यहां पे बच रहा है, एक Cl बच रहा है, तो इस H को इसमें जोड़ देंगे, NH4 हो जाएगा और इस Cl, तो प्लस क्या बनेगा यहां पर? NH4Cl। ये अन्य उत्पाद प्राप्त हुआ है, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड या 9+, जिसमें उद्रपातन की क्रिया होती है। लेकिन हमें ये तो अन्य उत्पाद है, हमें बनाना ये है, इसकी बात करनी है, ये बेकिंग सोडा है। तो इस प्रकार बेकिंग सोडे का रासायनिक विधि के द्वारा इसका निर्माण कर लिया जाता है। यानी नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है,
इसके साथ ही अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भी निकलता है। अब बात है इसकी गुण की, इसकी गुण क्या है, मीन्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर एक, यह श्वेत रंग का, रंग कैसा है, श्वेत, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा गुण देखिएगा, यह जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेमी सॉल्युएबल इन वाटर। क्या है, सेमी सॉल्युएबल इन वाटर, यह जल में अल्प विलेय है। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टीज है, यह जल में इसका विलयन कैसा है, क्षारीय, क्योंकि यह क्षार है तो जल में विलयन कैसा बनाएगा, ये क्षारीय, यानी बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इसे यदि हम गर्म करें, गर्म करने पर क्या देगा, CO2 गैस देता है गर्म करने पर। क्यों, जैसे आपने देखा है इसका उपयोग विभिन्न प्रकार से, हमने जैसे बाटी बनाते उसमें करते हैं, केक को फुलाने में करते हैं, इडली वगैरह बनाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डाला जाता है, क्योंकि क्या होता है,